वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं डोम्स कलर पेंसिल को एंड फेबर कलर पेंसिल को। ओके, सो जानेंगे कि क्या है इनमें डिफरेंस क्या है, हमें कौन सी सबसे पहले लेनी चाहिए या दोनों ही लेनी चाहिए, तो क्या डिफरेंस है, मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पर बॉक्स देख सकते हो आप, जैसे कि आपके सामने ही है, यहाँ पे लिखा हुआ 24 शेड्स डोम कलर्स पेंसिल में। यस, यहाँ पे जो आपको मिलेंगे डोम्स पेंसिल में ये 24 शेड्स मिलेंगे, कलर भी साथ में आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि कौन कौन से आपको यहाँ पे इसमें शेड्स मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे फेबर कास्टल, इसमें कि 48 कलर पेंसिल है। ओके, सो मेरे पास 48 कलर पेंसिल वाला सेट है, तो इसमें ट्राई कर लेना, शायद 24 वाला भी मिल जाए। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइस के ऊपर कि इनका प्राइस क्या है। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि डोम्स कलर पेंसिल है, इसका हम यहाँ पे प्राइस देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या प्राइस मेंशन किया हुआ है। कहाँ गया, प्राइस ही नहीं दिख रहा। हाँ, ये रहा, ये नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है। यस, MRP जो कि है 100 रुपीज़। ओके, सो ये सिर्फ और सिर्फ 100 का सेट है, इसमें आपको शॉर्पनर भी तो साथ में मिल रहा है, जस्ट ओनली 100 रुपीज़ में। एंड नेक्स्ट यहाँ पे फेबर कास्टल का प्राइस ये है 480 रुपीज़। यस, ये थोड़ा हाई प्राइस है, एक्सपेंसिव है, बट इसमें शेड्स भी 48 है, बट अगर 24 शेड्स की बात करें तो ये 240 रुपीज़ हो गया। बट महंगा तो फिर भी है ना, 140 रुपये, वो 100 रुपये का सेट है, ये 240 रुपीज़ का पड़ रहा है अगर हम दोनों का कंपेरिजन करें तो। इनकी यहाँ पे हम क्वालिटी भी चेक करेंगे कैसी इनकी क्वालिटी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फेबर कास्टल में आप लिखे इंक्लूड 5 न्यून्स कलर्स, यहाँ पे आपको 5 न्यून्स कलर भी मिलते हैं 48 शेड में। ओके, प्लस इनमें क्या लिखा है, गोल्ड एंड सिल्वर कलर भी आपको इसमें मिल जाता है, बट आपको डोम्स में ये नहीं मिलेगा। फाइन, सो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो 2 पोर्ट्रेट हैं यहाँ पे। ओके, सो एक मैंने पोर्ट्रेट ड्रॉ किया हुआ है डोम्स कलर पेंसिल के साथ और एक मैंने ड्रॉ किया हुआ है फेबर कास्टल पेंसिल के साथ। सो अगर आपको यहाँ पे ना बताऊँ कि मैंने कौन सा पोर्ट्रेट कौन सी ब्रांड पेंसिल के साथ ड्रॉ किया है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा बताने में कि कौन सा कलर, कौन सा पोर्ट्रेट है जो फेबर कास्टल से ड्रॉ किया हुआ है, कौन सा पोर्ट्रेट जो डोम्स कलर पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है ना, नहीं बता सकते ना एग्जैक्टली। अगर आपने यूज़ की होगी पेंसिल पहले या ड्रॉ किया होगा कुछ ऐसा, तो आपको अच्छे से पता लग सकता है, इसको भी मैं श्योर नहीं बोलता, लग सकता है कि कौन सा पोर्ट्रेट फेबर कास्टल के साथ है, कौन सा पोर्ट्रेट डोम के साथ है। ओके, सो मैं यहाँ पे आपके बता देता हूँ कि कौन सा पोर्ट्रेट कौन सी ब्रांड पेंसिल के साथ बना हुआ है। यहाँ पे आप जो लेफ्ट साइड देख रहे हो, रश्मिका मंधाना वाला स्केच, ये बना हुआ है फेबर कास्टल पेंसिल के साथ। ओके, सो यहाँ पर आप राइट साइड देख रहे हो, जो कि विराट कोहली का स्केच ड्रॉ किया हुआ है, ये बना हुआ है डोम्स कलर पेंसिल के साथ। ओके, सो डिफरेंस भी आपको नज़र आ रहा ही होगा, एक थोड़ा लाइट है, एक हल्का डार्क भी लग रहा है, जो फेबर कास्टल वाला है वो डार्क लग रहा है, एंड जो डोम्स कलर पेंसिल से बना हुआ है, हमने विराट कोहली का स्केच बनाया, ये थोड़ा लाइट लग रहा होगा, है ना, क्योंकि इसमें मैंने कलर्स भी लाइट ही यूज़ किए हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम पेंसिल को भी चेक कर लेते हैं। ओके, किस तरह की पेंसिल है, इनकी शेप्स कैसी है, तो सबसे पहले हम डोम्स पेंसिल को ओपन करते हैं, बॉक्स को ओपन करते हैं, और यहाँ पर इन्होंने ट्रे दी हुई है। ओके, यहाँ पे शॉर्पनर मैंने ख़राब कर लिया था, तो यहाँ पे आपको शॉर्पनर नहीं दिख रहा होगा, है ना, ऐसे मैं पेंसिल काफ़ी यूज़ करता हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ी सी पेंसिल इसमें यूज़ की हुई भी दिख रही होगी। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे फेबर कास्टल में इन्होंने कोई ट्रे नहीं दी है, सेट भी महंगा दिया है, और इन्होंने ट्रे भी नहीं है, देख लो इनका हाथ कैसा है, ट्रे तो देते कम से कम। सो इसमें भी बॉक्स के ऊपर यहाँ पर मैंशन है, ठीक है, कौन कौन से आपको यहाँ पर शेड्स मिल जाते हैं, और अगर हम इसकी शेप चेक करें, अरे यार ब्लर क्यों दिख रहा है, फोकस हो जा, ये फोकस ही नहीं हो रहा, एक मिनट मैं इसे फोकस करता हूँ अभी। यस, अब थोड़ा हो गया, तो आप देख सकते हो जो इसकी शेप है वो ट्रायंगुलर है ना, तो मतलब होल्ड करने में काफ़ी आसानी होती है इससे। और अगर हम बात करें डोम्स कलर पेंसिल की, इसकी जो शेप है वो हेक्सागोनल है ना, तो इसमें मतलब जो हम फेबर कास्टल पेंसिल की बात करें, उसको जब हम पकड़ते हैं पेंसिल को, तो वो काफ़ी सॉफ्ट है, बट डोम्स वाली इतनी सॉफ्ट नहीं है, मतलब कि थोड़ा बहुत तो क्वालिटी का इनमें फ़र्क है, इसलिए यहाँ पे प्राइस का भी डिफरेंस है, थोड़ा बहुत ब्रांड्स नेम का भी फ़र्क पड़ता है, तो वो अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं कि यूज़ करने में कैसी है, शेड कैसा होता है इससे। सो यहाँ पर मैंने एक शीट ले ली है, जो कि एवरी शीट है, सो इस पर हम यूज़ करके देखेंगे दोनों पेंसिल्स को वन बाय वन। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे फेबर कैस्टल की पेंसिल ले रहा हूँ, जो कि ब्राउन शेड है, तो फर्स्ट यहाँ पे सिंपल स्मूथ हैंड से मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ,
यहाँ पे टेक्सचर ठीक ठाक सही है, ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा मोटा भी नहीं कह सकते। यस, अगर हम काफ़ी स्लो यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वाइट जो वाइट स्पॉट्स होते हैं वो बीच में रह जाते हैं। सो ऐसा हमेशा ही होता है चाहे हम कोई भी पेंसिल यूज़ करें। सो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे हार्डली पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी प्रेशर के साथ। ओके सो अब देखो अब बीच में वाइट स्पॉट्स नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी हार्डली यूज़ किया। बट अगर हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, हमें लाइट टू डार्क चलना चाहिए एंड लेयर बाय लेयर ही काम करना चाहिए। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डोम्स की पेंसिल। सो थोड़ा सा कलर्स का डिफरेंस आ रहा है, वैसे तो मैंने सेम कलर्स ही लिए हैं, बट ये भी एक चीज़ है अगर हम दोनों अलग ब्रांड यूज़ करते हैं, कलर्स हम सेम लेते हैं शेड्स में, थोड़ा बहुत फ़र्क तो ज़रूर होता है। ओके सो सेम वैसे इसका जो टेक्सचर है ये मोटा है, जो फेबर कास्टल वाली चलने में थी वो काफ़ी स्मूथ थी, बट ये थोड़ी सी हार्ड है चलने में। इसका टेक्सचर भी थोड़ा मोटा है, फेबर कास्टल वाला जो टेक्सचर आया था वो थोड़ा पतला टेक्सचर था। सो यहाँ पर मैं नेम भी मेंशन कर देता हूँ, ये फेबर कास्टल से हमने यहाँ पर ट्राई किया एंड ये डोम्स के साथ हमने यहाँ पर ट्राई किया। ओके तो दोनों में मैंने आपको बता दिया, ये वाली जो थी वो स्मूथ है एंड डोम्स वाली का टेक्सचर थोड़ा मोटा है, थोड़ा हार्डली यूज़ करने में है। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और कलर ले लेते हैं, एक और शेड्स ले लेते हैं। ओके सो ये यहाँ पे एक वैसे ये नियोन कलर लग रहा है मुझे इसमें, फेबर कास्टल फर्स्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, सेम वैसे ही पहले स्मूथ हैंड से फिर हार्डली हम यूज़ करेंगे, सेम चलने में काफ़ी स्मूथ है। वैसे कलर्स का ही फ़र्क है, बाकी यूज़ करने में तो कोई अलग नहीं लगेगा क्योंकि सेम ही ब्रांड की पेंसिल है। सेम मैंने कलर ले लिया है डोम से, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, ये थोड़ा सा डार्क कलर है जैसे कि देख सकते हो, स्मूथली हैंड से यूज़ किया फिर भी काफ़ी डार्क लग रहा है। ओके सो दोनों को हमने वन बाय वन ट्राई किया, तो जो डोम्स वाली पेंसिल है वो थोड़ी हार्ड यूज़ है करने में एंड जो फेबर कास्टल वाली है वो थोड़ी स्मूथ चलती है। ओके सो मतलब कि ये है कि सो फेबर कास्टल वाली को हमें ब्लेंड करना हो तो हम ब्लेंड कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इन पेंसिल को ब्लेंड मत करो, जस्ट ओनली शेडिंग करो, रेंडरिंग करो। तो मैं कभी भी ब्लेंड नहीं करता इन पेंसिल्स को क्योंकि बहुत टफली ब्लेंड होती है ये। बट अगर आप चाहते हो कि हमें तो ब्लेंड करना है, हमें ऐसे शेडिंग में अच्छे से हम नहीं ड्रॉ कर पाते, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले कि आप अलग अलग टूल्स के साथ कैसे यूज़ करके चीप कलर पेंसिल को ब्लेंड कर सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो अगर मैं बात करूं कि आपको कौन सी पेंसिल लेनी चाहिए तो वो आपके बजट पे डिपेंड है क्योंकि दोनों का ही प्राइस ज़्यादा नहीं है, ऐसे तो क्वालिटी का थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर है। प्राइस की बात करें तो 100 रुपये का सेट डोम्स का है, 1240 का आपको 24 शेड्स का फेबर कास्टल का पड़ेगा। यस प्राइस पे डिफरेंस ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि कोई 10-20 रुपये का डिफरेंस हो, डिफरेंस 140 रुपीज़ का है। ओके सो बाकी आपकी मर्जी, कोई मर्जी सेट यूज़ कर सकते हो। ठीक, वैसे ज़्यादातर आजकल डोम्स कलर पेंसिल सेट चल रहा है, इससे भी काफ़ी रियलिस्टिक वर्क ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर हम महंगा सेट क्यों लें। ओके सो हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेसन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। आज के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।